हाँ जी, तो आज हम आगे हैं। ओ, आज वार क्या है? आज है शुक्रवार, फ्राइडे, और हम हैं फुलरटन कैलिफोर्निया में। फुलरटन मुझे ऐसा लगा जैसे बोल रहे हो फुलन देवी। फुलरटन में है हम कैलिफोर्निया में, और डॉग देखो कैसी है जी। जाओ पुजारी आपने खोलने हैं दरवाजे। हाँ, दरवाजे खोलते, दरवाजे जाओ। ओके, गुड मॉर्निंग। मेरे बालों पे मत जाना, बाल मेरे जुड़े पड़े हैं। तो पहले तो सील खोले, काफी इजी सील लगाई हुई है इन्होंने। तो ये लेके आए हैं हम बोरे। यहाँ पे बैग लगानी है हमने, बेसिकली अंदर बैग लगानी है। और आगे जगह देखो कितनी क्या, मतलब गाड़ियां थोड़ी साइड पे लगी हैं टेढ़ी करके, तो लग रहा है कि थोड़ी सी जगह है अच्छी सी, बट इसके अंदर लेके जाना है ट्रेलर। तो पूरा टेढ़ा कर दिया पाल जी ने। तो आगे वाली साइड भी देखो कैसे पूरी दीवार के साथ गाड़ियां खड़ी हैं, और यहां से बैक करना है। तो ड्राइवर साइड तो क्लियर ही है क्योंकि उधर से पाल जी को दिखाई भी दे रहा है, और वैसे भी ट्रक के साइड में खड़ी हैं गाड़ियां, सो दैट्स गुड। यहां से हमने आगे देखना है कि आगे ना कहीं बजे। थोड़ा सा आगे को कर लेंगे। और इस साइड में देखो कितनी जगह बन गई। तो पीछे से पूरा नीचे को जा रहा है ट्रेलर। हाय, इसके लैंडिंग गियर तो नहीं फंसेंगे, देखते हैं। तो कह रहा है बस यही पर ठीक है। अच्छा हुआ और बैक नहीं करवाया, नहीं तो लैंडिंग गियर तो फंस चुके थे यहाँ पे। तो ये साइड तो मैंने अब देखी, मतलब इतनी की जगह है बस। कैसे दिखाऊं मैं आपको, ऐसे देखो जरा, इतनी की जगह है बस। चलो अभी 20 मिनट कहा था उन्होंने, और 18 मिनट में डिलीवरी डन। तो पाल जी खुश हो? मैंने कहा केले केले वीडियो बनाई जा रही हो, मेरी भी बना दो। ऐसी ही है, चलो निकले। तो निकलना हमने इधर से ही है, तो सीधा निकाल के और इसके दूसरी साइड से निकाल के और फिर दूसरी साइड से लेके जाना है। तो टाइट है काम थोड़ा। तो ये निकल गए भाई। खुशी खुशी में कभी भी ऐसा नहीं करना। तो जैसे जब हमने अंदर किया था ट्रेलर, तब थोड़ा गैप पे आया था, अभी बाहर निकालना तो पूरा साथ में है, तो ऐसे दरवाजा टूट सकता है। तो अभी पाल जी थोड़ा सा पीछे करेंगे ट्रेलर को और फिर बाहर निकालेंगे थोड़ा सा गैप बना के। तो अभी पाल जी ने बैक किया और थोड़ा सा ड्राइवर साइड को यहीं से खींचना शुरू करेंगे। लो भाई, फाइनली निकाल ही लिया हमने इस खुड से बाहर। अभी बंद कर ले, ऊपर से भी देख ले, हो गया ये बंद।
इधर को लेके जाना है। देखते हैं भी कैसे निकलता है। यहाँ से तो लग रहा है थोड़ी है जगह, ड्राइवर साइड तो जगह है, इधर पूरा साथ साथ में करके निकाले। ये देखो थी जगह ड्राइवर साइड, पूरा पूरा साथ में आ रहा है उसके। बाय बाय, मुझे लेके जाना। तो अभी हमने इधर को मुड़ना है और यहाँ पे फिर टाइट है। यहाँ पे खड़े होकर दिखाती हूँ मैं आपको थोड़ा वाइड करके। तो ये निकला है हमारा ट्रक और आगे फोरक्लिफ्ट वाला था तो वो कर रहा है साइड को। तो अभी हमने इधर को जाना है और फिर से ये गली सी निकाल के लेके आना है। यहाँ से भी काफ़ी टाइट है और उसके बाद जहाँ से हमने बाहर निकलना है वो तो टाइट है ही हैवी। पर सभी जगह देखो सामान ही सामान रखा हुआ है, तो पूरा यहाँ तक खींच के फिर निकालना पड़ेगा। अभी देखो पाल जी ने कोई गियर नहीं डाला हुआ, बिना गियर के चल रहा है। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों साइड से फंस चुके हैं, यहाँ से भी और वहां से भी, बट नहीं। तो बेसिकली ये क्रॉलिंग मोड में है, रेस नहीं दे रहे, बस ब्रेक से पैर उठाया हुआ है और वो धीरे धीरे अपने आप चल रहा है। वो कह रहा उधर से एग्जिट है। हाँ। जितने रिव्यू देखे वो सभी इसी की बात कर रहे हैं। हाँ, मैंने कहा कि वो कह रहा था कि एग्जिट ये वाला नहीं है, दूसरा वाला है। तो मैंने कहा हमारे आगे जो ट्रक था वो तो इधर से निकला है। कहता कोई बात नहीं, आगे से आपको पता चल गया। अब मैं कहा हाँ थैंक यू। तो पिकअप के लिए कितनी दूर जा रहे हैं हम? 6 किलोमीटर। स्पेशल पूछ रही कितना टाइम लगेगा। हाँ, जस्ट 6 किलोमीटर अवे। अच्छा, ये तो हम बच गए आज तो पाल जी। केएस फिटनेस जिम भी है साथ में। कौन सी? केएस फिटनेस। हमारी मेंबरशिप नहीं चलती यहाँ पे। हाँ, तो बंदा उसको पूछ लेता है। वहाँ एक कार भी खड़ी थी, उसको ना इन्होंने बिजली बिजली वगैरह दी हुई है सब कुछ। हाँ। तो मुझे लग रहा वो उसी में रहता है। मैंने उससे पूछा भी था तो मुझे मालूम नहीं है। कहता यही पर रुक जाओ, मैं वहाँ से जाके भाग के लेके आती हूँ। जाओ जल्दी, लिखा नो स्टॉपिंग एनी टाइम। हाँ आई, बस मैं 2 मिनट में आई। तो पहले वॉकिंग वाला बटन दबा दे। मेरे पीछे जो आपको दिख रहा ना पंप, यहाँ पे मैं डाइट माउंटेन ड्यू लेने आई थी पर मिला नहीं, इनके पास कुछ भी डाइट नहीं है। तो अभी मैं सड़क क्रॉस करके वापस जा रही हूँ। पाल जी ने सामने ट्रक लगाया था क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, छोटा पंप है गाड़ियों वाला। तो काफी अच्छा शहर है, सुबह सुबह दिन चढ़ रहा है, कोई कोई गाड़ी है लाइटों पे। देखते आगे हमें कोई और पंप मिलता है कि नहीं। और वो सामने घास काट रहा है। अभी 2 पंप मिस हो चुके हैं, एक नो ट्रक रूट था, अभी आगे मोबिल आ रहा है। पाल जी देखें, ये ट्रकों वाला ही मुझे लगता है। कौन है? नहीं, ट्रकों वाला नहीं है। हाँ, शेड यहाँ भी नहीं जा सकते हम। क्यों? तो वो सातवीं हाईवे की एंट्री है। ओ शिट, यही रोकना पड़ेगा यहाँ पर। यहाँ पे सभी ने जो हाईवे चढ़ना है वो खड़े हैं इस लेन में। रहने दो, यहाँ पे मत रोकना, चढ़ना तो आगे जीत है। तो ये 5 मिनट में हम पहुंच गए अपनी पिकअप लोकेशन पे। ऐसे बहुत मजा आता है ना जब ऐसे साथ ही में जाना हो गई है ना। हाँ, नो आउटलेट, जहाँ जाना हमने लगता आपको जाना पड़ेगा पूछने में। वो सामने ऑफिस में पूछ के आऊं मैं? तो लो भाई, डोर्स हमने खोल दिए हैं और आज हम
पिकअप करने आए यार, दिखाती हूँ अभी फिर मैं। सेम ही चीज हो गई हमारे साथ तो, ये गली सी के अंदर बैग लगानी है। पूजा जी कहती मैं बैग लगाऊंगी, पर हट सोने हैं पूजा जी। तो बैक लगाने के लिए मैंने सबसे पहले तो थोड़ा सा ट्रक को बैक किया, क्योंकि हम ऑलरेडी जहाँ पे बैक लगानी है उसके लेवल पे थे, और यहाँ से घुमा के थोड़ा सा भी हम एंगल बनाएंगे। डेड एंड था पूरा एंड में, जैसे वो सर्कल होता है ना वैसा बना हुआ था, और ऐसे जगह पे ये अच्छी बात मेरे को मिल गई कि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम आती जाती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वही लोग आएंगे जो ये आसपास की तीन चार बिल्डिंगों में काम करते हैं या जो यहाँ से निकल रहे हैं। तो ट्रेलर अंदर आ चुका है, और यहाँ पे ना थोड़ी सी मेरे को कन्फ्यूजन हो गई थी, क्योंकि जब यहाँ से अंदर आ गया तो मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था कि ट्रेलर अभी सीधा हो गया है कि नहीं हो गया है। तो मैंने थोड़ा सा इसको आगे किया, दोबारा से इसको फिर मैं पीछे लेके आई, और ये ट्रेलर हमारा हो गया सीधा, और बैक लग चुकी है। स्ट्रैप मैंने बीच में ही रहने दी थी, क्योंकि उनको भी अभी चाहिए लोड के बाद। बताओ क्या डिफिकल्ट था इसमें? तो हमने उसको बोल दिया भी हम जा रहे हैं सबवे, तो कहता मैंने पूछा हम इस टाइम वन आवर इनका था। तो ट्रक वो पीछे हमने लगा दिया, शायद दिखाई दे रहा आपको वो रहा। तो हम जा रहे सब सबवे, नहीं कुछ और खाते हैं, खाने को मिल रहा है काफी कुछ है ऐसा, तो मत कभी फाइनली कुछ खाने का मिल रहा है। हाँ। जो मैं बना रही हूँ चिकन वो नहीं आपने खाना, मेरा दिल नहीं कर रहा आपको माउंटेन व्यू पीना है, टाइट माउंटेन व्यू। वैसे हम फिश बना सकते थे, बार बारिश थोड़ी थोड़ी, हाँ थोड़े थोड़े वो पड़ रही है। चलो फाइनली पाल जी को मिल गई माउंटेन व्यू ठंडी ठंडी, मुझे टैकोस मिल गए ठंडा ठंडा। चलो वहाँ जाके खाएंगे। आज मौसम ही बड़ा अच्छा है कैली में, ओ माय गॉड, इस वक्त तक तो मतलब पूरी गर्मी हो जाती है। आज ठंडा मौसम है, थोड़ी थोड़ी मतलब हल्की हल्की सब पानी है, मतलब ऐसे मजा आता घूमने में। ट्रक लगाए हैं और अब हम हंट कर रहे हैं, माउंटेन ड्यू हंट की पहले हमने। तो लो भाई लोडिंग हो गई है डन, ट्रक निकाल गया हमने बाहर, सारा सील सूल लगा ली है, और अब हम यहाँ से निकलेंगे।